हजारों करोड़ रुपयों के घाटे से जूझ रही जेट एयरवेज के पायलटों का कहना है कि मौजूदा हालात में कार और घर के लोन की किस्त चुकाना भी मुश्किल हो गया है। एयरलाइन के इंजीनियरों और दूसरे अहम क्षेत्रों के कर्मचारियों को जनवरी महीने से वेतन नहीं मिल रहा। पायलटों का कहना है कि उन्हें इस बात का डर है कि एयरलाइन अचानक ठप हो सकती है। उन्होंने दोहराया है कि 31 मार्च तक उनका बकाया भुगतान हो और एयरलाइन के भविष्य को लेकर स्थिति साफ हो जाए। ऐसा नहीं हुआ तो उड़ानें बंद कर देंगे। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से जेट के कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि कई पायलट गहने गिरवी रखकर लोन लेने को मजबूर हो गए हैं। उधर वित्तीय संकट से गुजर रही जेट एयरवेज के लिए बैंक 1000 करोड़ रुपए की मदद का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइन पर देनदारी 25000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक बिजनेस में बने रहने के लिए जेट एयरवेज को कम से कम 10000 करोड़ रुपए की जरूरत है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के अधिकारी खुद इस मामले को देख रहे हैं। अगर जेट एयरवेज दिवालिया होती है तो 16500 लोगों की नौकरी जा सकती है। सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं चाहती, इससे सरकार की साख को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।